फाइनली हम लोग का चिकन यहाँ में बड़े से बन के रेडी हो गया है। तू की लगी से खाओ पाइम की नॉरिम yes. खाओ पाइम नो yes. ये आप देख सकते हो बढ़िया से पक गया ये। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रात को आया था मोनू को छोड़ने के लिए, तो मोनू बोला बैठ जाओ। वहाँ से प्रोग्राम फिर चेंज हो गया, शादी पार्टी गया। शादी पार्टी के बाद केशव ब्रो ने बोला आज मैं, आप तो रोज़ मोनू के साथ में रहते हो तो आज मेरा साथ बैठ जाओ। मैं भी वही सोचा कि वहाँ तो जाता हूँ, यहाँ मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो सो एक दिन भाई के साथ भी बैठ जाऊँ बोल के। और भाई ने फाइनली कहाँ ला दिया, यहाँ उसका फिशरी फार्म में ला दिया फिशिंग करने के लिए। yes. क्या करेगा हम लोग अभी, फिशिंग करेंगे और उसके बाद बढ़िया से बना के खाएंगे। ये सब बोल रहा है कि रोस्ट करके बढ़िया से वीडियो बना लो बोल के। हमको कॉल किया था, मोनू को भी कॉल किया था, अगर वो फोन रिसीव नहीं किया है, फोन पिकअप नहीं किया, शायद सो रहा होगा शायद। नेक्स्ट टाइम उसको भी बुला के इधर फिशिंग करवाऊंगा उसको भी। फाइव टाइम्स हम कॉल किया, फर्स्ट वो थ्री टाइम्स कॉल किया क्योंकि वो होने से भी अच्छा था बोल के, तीनों को एक साथ में कर लेगा। बट उसका फ़ोन दोनों ही स्विच अप आ रहा है। तो यहाँ से लगभग आपका 10 मिनट 5 मिनट ऐसा, इतना दूर में है घर जो, लेकिन फिर भी दूर तो दूर है। सो वो अगर रेस्ट करना चाहता है तो रेस्ट करते रहो, तब तक फायर हम लोग भी हाफ एन आवर में ख़त्म करके यहाँ से चला जाएगा। पकड़ लेते मछली, अगर फिर मछली पकड़ने के बाद फिर उनको कॉल करूँगा, अगर कॉल रिसीव करते तो उसको बुलाऊँगा हम लोग का ब्रेकफास्ट के लिए। गाइस राइट नाउ हम लोग यहाँ में फिशिंग करने वाला है, और ये बोला जो पॉन्ड है बहुत बड़ा है तो उसमें नहीं करेगा, बोल रहा है सब जो ये छोटा वाला है पकड़ने के लिए। ज़्यादा बड़ा हो चुका है ना, एक नेट एक ही लाया हूँ तो छोटा में पकड़ेंगे। इसमें भी है मछली, सब में है, पर बड़ा वाला पोखरी में पकड़ने के लिए थोड़ा तकलीफ होगा, तो इस पर हम लोग ट्राई करेंगे छोटा वाला। सो फ्रेंड्स, और वीडियो बने रहिए, रोमांचक मोमेंट आने वाला है। ये है हम लोग का नेट, और दिखा दिखा फंसते नीचे बिकॉज हमको आता नहीं है तो वही पहले करना पड़ेगा। लास्ट स्टार्ट जाल तो कहने का दूरी पर लगे। डर लगे निकी वाओ 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 एक ही बार में देखना कितना आएगा। वाह, एरे दे एरे दे आ तो, ओ माय गॉड, वन शॉट में फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो। अरे हम तो सोचा ही नहीं था वन शॉट में इतना मिलेगा बोल के। ओ हुरूप लेक तो पहला दे, ये लोग को छोड़ देना है फ्रेंड्स ये सब। और बेसी हो तो एडी बोला गया, थोड़ा सा दरिया दिल्ली भी होना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए ये सबको वापस पानी में छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो सब छोटा है, उन लोग को भी थोड़ा समय चाहिए, जब बड़ा होगा तब इनको वो करेगा। मेरा शॉट तो देख लिया, अभी भैया का बारी है। अभी मेरा बारी, छोटा छोटा फिश लोग को वापस छोड़ रहे, छोटा मतलब इतना छोटा भी नहीं है, हाफ किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है, फिर भी इसका फिशरी फार्म में हाफ किलो जो छोटा माना जाता है। तो की बात करते हैं, ये बाहू, ओ ये तो है ना बाहू, ये बाहू है, अभी छोटा है, इसको अगर ये बड़ा होगा ना बहुत बड़ा होता है। सो फ्रेंड्स अभी मेरा टर्न है, अभी किया नहीं हो फिर भी एक बार तो ट्राई कर सकते हैं। और जाल तो कितने के जी है, ये हो लगभग होगा 5 किलो का आसपास होगा। 5 किलो कैसा फेंक रहा था, इतना वेट है। सो फ्रेंड्स कैसे ब्रो हमको जाल को मिला के दे दिया है और उसको मौसम में फेंकना है बोल के बोल रहा है, कौन सा मौसम में देखते हैं। चप्पल खुली लो, चप्पल खुली लो, लग रहा है तलाट घुसी जाना लो यार, ना तलाट नहीं की फेंको, हम भगा देते हैं मछली। रोक और ट्राई कीजिए, फंसा है फंसा है, रुको रुकिए मैं आ रहा हूँ तो लौट पड़ा ना, मेरे को लगा एक ना एक फंसा होगा। अरे आई से
हिला दे पानी टेने का दो डुबा दे। कितना आया? दो जैसा आया। ऊपर ले आइए। चलो मिस फायर तो नहीं होता एटलीस्ट। हाँ दो पीस। यस काफी। आ ही गया ना? इतनी मास को है क्या? रो पॉली है। ये तो वाला बाहु। बाहु इतनी है इतनी मास को। ये आपका आपका हाथ में आया है ना, इसको पकड़ लेते हैं। इसको लेके जाएगा। ओ हो जाबो ना कि दूसरा है? हो जाबो। इधर रखिए। और शॉट मारना है? सो फ्रेंड्स, मेरा नसीब में यही लिखा हुआ था। कैसा भाई बोला था, जब तक 2 किलो नहीं मिलेगा तब तक मारेगा बोल के। लेकिन फिर भी ये आपका हाथ में है ना, अभी मेरा बारी है, फिर हम पकड़ते हैं ना। छोटा है, इसको तो हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये मेरा पहला फिश है, तो इसको हम छोड़ने मन नहीं है। सो अभी नेक्स्ट टर्न कैसा ब्रो का? हम तो ज्यादा फेंका ही, आप लोग देखा ही होगा, बहुत डेंजर से फेंका है। लेजेंड फिर से उतर रहे। जब फिश पॉन्ड है तो हमको सीखना ही पड़ेगा कैसे पकड़ना है मछली। तो यूं लेना है, इसको यूं लेना है, ये सब मिला के। यस यहाँ पे उनको बैठने के लिए बेम्बू वेम्बो कुछ दे दिया, तो जाल इसमें नहीं लगा सकते हैं हम लोग नेट। जो बिग फिश जो थोड़ा चालू हो गए वो छुप के बैठ रहे, तो मिल नहीं रहे, तो 1/2 किलो 1 किलो का आसपास वो साइज वो रेंज का फिश तो मिल रहे। अभी भी थोड़ा ज़्यादा आ गया छोटा छोटा, उनको फिर वापस छोड़ देते हैं। ये फिश थोड़ा अलग है। ये क्या है? वियतनाम कॉय बोलते हैं। वियतनाम कॉय। थोड़ा सा पानी दे दिया हूँ तो फ्रेश रहेगा। वीडियो में बने रहिए, अभी जा रहे हैं वापस घर। घर में करेंगे रोस्ट फिश को, और क्या क्या आइटम बना के दोनों खाएंगे वो आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। सोचा था 2 किलो वाला साइज एक ही पकड़ गया, लेकिन पानी ज़्यादा था और हमारे पास समय भी कम है, इसलिए सबको मिला के 2 किलो बना दिया। अभी हमें फिश का कार्रवाई स्टार्ट हो गया, साफ सफाई। ये फिश को फाइनली हम लोग रोस्ट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ मैं आग को लगा रहा है मिस्टर केशव। आग भी लगने वाला हो रहा है, उसके बाद हम लोग रोस्ट करेंगे। ये वाला बटरफ्लाई के लिए ऊपर वाला जो, उसके बाद में ये बाकी तीनों, ये तीनों हम लोग का कैसा फल मेरा। ये फिश का नाम वियतनाम कॉय, तो ये छोटा है बट फिर भी लेके आ गया है इसको। इतने बड़ा होता है? ओ इमाने डाउन है। प्रिपेयरिंग फॉर रोस्ट। इस तरह काट देने से जल्दी पकेगा। लहला होते हुए तो पहला फिश हम लोग को हो गया है, हमें आग के साथ मजा से जल रहा है। और ये दूसरा मेरा हाथ का हमेशा आपको दिखाते रहता हूँ, बट आज केशव का हाथ का कैसा बनता है मैं भी तो देखूं के लिए, बिकॉज मेरा रूम में मैंने बना के खिलाया केशव को, अभी केशव का हक बनता है कि वो बना के खिलाए मुझे। yes. मेरा रूम में केशव को हम कुछ भी करने नहीं दिया था, वो बैठ के खाना है। आप लोग देख सकते हो हम लोग का फिश बढ़िया से रोस्ट हो रहा है। और यहाँ पे मैं ये बढ़िया से पक रहा है, वो थोड़े लगे। और नेक्स्ट यहाँ में हम लोग का मिस्टर केशव हमको लोकल चिकन बना के खिलाएगा, सुंदर से बोल रहे हैं। ये होगा लोकल चिकन, और वो आज खिलाएगा बैम्बू शूट के साथ में। केशव ब्रो एकदम कार्बन कॉपी है मेरा, हम जैसा कुक करने के लिए पसंद करता है एकदम वो भी वही सेम, उसको भी कुकिंग करने के लिए बहुत मज़ा आता है क्योंकि अभी तक हमको कुछ भी करने के लिए नहीं दिया वो। अगर कोई है देखने वाला तो बात कर सकता है। तुम्हारा हाँ है सोचे समझ गया सब लोग।
ये अभी ऐड कर दिया है आपका बैम्बू शूट, फर्मेंटेड बैम्बू शूट। फाइनली हम लोग का चिकन यहाँ में बड़े ऐसे बन के रेडी हो गया है। तू की लगी से खाओ पाइम की नॉरिम? यस खाओ पाइम नो? यस फिश भी यहाँ में तैयार है। ये लोग देख सकते हो बड़े ऐसे पक गया ये। अभी देसी मुर्गा, देसी मछली मछली, अभी देसी वाइन आएगा। यहाँ में आने वाला हम लोग का देसी वाइन, और ये हो गया हम लोग का रोस्टेड फिश, ये हो गया हम लोग का लोकल चिकन फर्मेंटेड बैम्बू शूट के साथ में पका हुआ। चिल्ली भी लोकल है, पास नमक जो लोकल नहीं है। मम्मी जो स्टार फ्रूट का जूस को प्रिपेयर कर रहे हैं। फाइनली हम लोग का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। ये है हम लोग ब्रेकफास्ट, ये चिकन और ये दाल, और यहाँ पे हम लोग का लेजेंड कैसा कुक, ओ मिस्टर कुक। ऐसे तो हम उसको कैसा बोलते हैं, बट उनका नाम है मिस्टर कुक। स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद में आपको आगे की ओर अपडेट देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर कुक के घर से पहुंच गया हूं मैं अपने घर। और आपको ये फिशिंग वाला वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड लास्टली सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा।